हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरिएबल एंड सबनेट मास्किंग इन CIDR, दैट इज क्लासलेस इंटरडोमेन राउटिंग। हमने क्लास फुल के अंदर सबनेटिंग को डिस्कस किया, वेरिएबल एंड सबनेटिंग हमने डिस्कस की क्लास फुल के अंदर। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरिएबल एंड सबनेट मास्किंग इन CIDR, मतलब हमने सबनेटिंग करनी है, अलग अलग सबनेट बनाने हैं, लेकिन उनका जो साइज है वो भी क्या होना चाहिए, डिफरेंट साइज होना चाहिए। तो हम इस चीज को कैसे परफॉर्म करते हैं, लेट से हमारे पास एक आईपी एड्रेस दिया हुआ है, मतलब ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और उसके पास एक एड्रेस पड़ा है ये वाला। ये एड्रेस बेसिकली क्या है, CIDR, ये एड्रेस है, और साथ में हमारे पास /20/20 यहाँ पे क्या बता रहा है, नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स, नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स हमारे पास 20 है। तो नंबर ऑफ होस्ट बिट हम कैसे निकालते हैं, 32 बिट का आईपी एड्रेस है, 20 बिट हमारे पास क्या है, नेटवर्क की, तो 32 - 20 आप करोगे तो यानी 12 बिट क्या है, होस्ट की। तो यानी इस नेटवर्क में 2^12 नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल है, जिनमें से हम दो को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि एक पहला जो इस नेटवर्क की आईडी है और दूसरा जो DB है, जो लास्ट वाला होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ये हमने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करें यहां पे कि हमारे पास ISP ने करना क्या है, उसने एक ऑर्गेनाइजेशन को हाफ ऑफ द पोर्शन देना है, मतलब सबनेट बनाना है, और उस सबनेट में इसका जो हाफ नंबर ऑफ होस्ट है वो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन को देने हैं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को क्वार्टर ऑफ, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जितने भी हमारे पास टोटल आईपी एड्रेस हैं उनमें से हाफ हमने किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को देने हैं, बचे हुए में से एक क्वार्टर हमने किसी और को देना है, और बाकी का लेट से ISP ने अपने पास रखना है, किसी और ऑर्गेनाइजेशन को भी दे सकते हैं। तो यहां पे हमने करना क्या है, वेरिएबल लेंथ जो है वो हमने मास्किंग करनी है। तो वेरिएबल लेंथ हम कैसे करते हैं, बेसिकली फंडा जो है वो सेम ही है जो हमने क्लास फुल में भी डिस्कस किया था, मतलब 245.248. अब देखो नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स कितनी है, 20। तो हमेशा याद रखना कि नेटवर्क बिट्स को कभी नहीं छेड़ना, आपको सिर्फ होस्ट की बिट्स को ही यूज करना है। तो नेटवर्क की बिट्स कितनी है, 20, तो यानी 8 बिट यहां पे होगी, ऑक्टेट है तो 8 बिट यहां पे, 8 यहां पे, टोटल कितनी बिट्स यूज होगी, 16। तो यानी नेक्स्ट वाली जो 8 आएंगी वो इसके अंदर यूज होंगी, तो 128 को आप ओपन करके लिख लो, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब हमने जो थर्ड ऑक्टेट है उसको ओपन कर लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लिख दी, और यहां पे लास्ट वाला ऑक्टेट भी हमने ओपन कर लिया, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सिंपल सा फंडा है, हमने लास्ट वाले ऑक्टेट को क्यों ओपन किया, क्योंकि 8 बिट हमारी यहां पे यूज होगी, 8 यहां पे यूज होगी 16, और हमारे पास नेटवर्क की बिट कितनी है, 20, तो यानी 4 यहां पे यूज होंगी, मतलब 8 और 8 16 17 18 19 और 20, मतलब यहां तक आपका क्या है, नेटवर्क के, मतलब ये सारी बिट्स कितनी है नेटवर्क की, और बची हुई कितनी है आपकी होस्ट की। अब आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही इजी है, आपको करना क्या है, इस पूरे सबनेट को, इस पूरे नेटवर्क को पहले आपने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो दो पार्ट्स में हम कैसे डिवाइड करते हैं, एक बिट को रिजर्व कर दो, मतलब कौन से बिट को रिजर्व करेंगे, द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इन द होस्ट पार्ट, होस्ट पार्ट में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी है, ये वाली 0। तो आप इस प्लेस को, इस पर्टिकुलर वैल्यू को फिक्स कर दो, मतलब इसमें 0 के अलावा कुछ नहीं आएगा, या तो आप इसमें 0 कर सकते हो या आप इसमें 1 भी फिक्स कर सकते हो, जो भी वैल्यू फिक्स करोगे या तो 0 या 1 फिक्स करोगे तो वो फिक्स हो जाएगा। तो यानी हमने अगर यहां पे 0 फिक्स करते हैं तो यानी क्या बनेगा, 245.248.1000, इसको तो बिल्कुल नहीं हिलाना, और ये 0 भी हमने यहां पे फिक्स कर दिया है, बचा क्या, 000 से लेके 0000, पहला क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, पहला 1 हो जाएगा, करते करते आपका लास्ट क्या बनेगा, 245.248.1000, ये 0 हमारी फिक्स है, 111.111111, ये आपका लास्ट जो है वो आईपी एड्रेस बनेगा। मतलब हमने पूरे के पूरे सबनेट को, पूरे के पूरे नेटवर्क को दो सबनेट्स में डिवाइड कर दिया, एक S1 और एक S2। तो S1 की जो रेंज है वो कैसे बनेगी, 0 से लेके सारे 1, लेकिन कौन से 1, ये देखो इस तरीके से, आपको ये वाली बिट को बिल्कुल नहीं छेड़ना, क्योंकि ये बिट हमने ऑलरेडी फिक्स कर दी, तभी दो पार्ट में डिवाइड किया, लेकिन इस बिट की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है
वन भी हो सकती है। अगर आप जीरो रख रहे हो तो दूसरे वाले में क्या हो जाएगी, वो वैल्यू वन फिक्स हो जाएगी। अगर यहां पे वन रख रहे हो तो दूसरे वाले में वो वैल्यू जीरो फिक्स हो जाएगी। कई बार क्या होता है, ऑप्शंस इस तरीके से होते हैं कि अगर आप जीरो लिखोगे ना तो शायद आपका ऑप्शन कोई मैच ना करे, तो आप वन लेके देखोगे तो ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। बस सिर्फ रेंज का ही आपको फाइंड आउट करना है। तो इसकी रेंज क्या बनी, 245.248. तो पहला देखो क्या बना, पहली वैल्यू क्या बनी, 1000 ऑब्वियसली क्या बना, 128 ही बना, और लास्ट में सारी जीरो है मतलब जीरो बना। टू नेक्स्ट क्या है, 245.248. ये देखो 1000 यहां तक तो नेटवर्क था, ये जीरो फिक्स है, 111 ये क्या बन गया, 140111, मतलब ये 128 प्लस 7 कितना हो गया आपका 135 ये है, ये आपका 777 क्या, 111 क्या होता है, 7 होता है, तो 128 प्लस 7 क्या हो गया 135, तो 135 डॉट सारे वंस क्या होते हैं 255। ये आपकी रेंज बनी किसकी, पहले सबनेट की, जो हाफ है, जो इसका क्या है हाफ। तो हाफ में ऑब्वियसली हमारे पास 0 से लेके 135.255 तक की ये पूरी रेंज आएगी। तो इसमें ये वाली आपकी सबनेट की क्या होगी, आईडी होगी, और ये वाला एड्रेस है वो इस सबनेट का क्या हो गया, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं यहां पे क्या, नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं कि इसका जो स्लैश नोटेशन क्या बनेगा। स्लैश नोटेशन क्या होता है, नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स कितनी है 20, मतलब नंबर ऑफ जो बिट्स फिक्स्ड है वो कितनी है 20 है ओरिजिनल। हमने यहां पे क्या किया, एक बिट और फिक्स कर दी, ये देखो ये वाली बिट फिक्स की ना, ये वाली बिट फिक्स करते ही टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो फिक्स्ड होगी वो कितनी है 21। तो यानी आपका नेटवर्क का, इस नेटवर्क का जो सबनेट मास्क है वो क्या बन गया 21, और ये भी ऑब्वियसली क्या बनेगा 21। तो ये पहला सबनेट आपका जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं सबनेट टू, सबनेट टू की रेंज क्या बनी, 245.248. यहां पे हमने क्या किया, 1000 ये तो हमारा फिक्स ही था, 1000 तो फिक्स था, ये वाली जो पोजीशन हमने यहां पे जीरो फिक्स रखी, तो ऑब्वियसली इस केस में क्या होगा, वो वन फिक्स हो जाएगा। मतलब आपको यहां पे या तो आप वन रख लो, इधर जीरो हो जाएगी, अगर आप इधर जीरो रख रहे हो तो इधर क्या हो जाएगी, ये वाली पोजीशन वन हो जाएगी। उसके बाद आपके क्या बची, तीन जीरो यहां पे, तो आप तीन जीरो एज इट इज लगा दो डॉट, ये सारी आपकी क्या बन गई 0000000 से लेके लास्ट वाला क्या बनेगा आपका 245.248. लास्ट वाला अगर आप बनाते हो तो ये तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है कि इस सबनेट को तो हमने हाफ कर दिया, ये आपका हो गया, लेकिन इस वाले सबनेट को हमने अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, ताकि एक क्वार्टर हम S2 जो क्वार्टर बनेगा वो हम एक ऑर्गेनाइजेशन को दे दें, S3 हम किसी और ऑर्गेनाइजेशन को दे दें। तो यानी ये जो हाफ पोर्शन है इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाली आपकी ऑलरेडी फिक्स्ड हो चुकी है, आपने 1000 तो ऑलरेडी फिक्स था, 1 आपने यहां पे फिक्स कर दिया, 0 आपने यहां की, तो ये वाली वैल्यू 1 फिक्स हो गई। लेकिन अब आपको नेक्स्ट इस पार्ट को भी दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो नेक्स्ट होस्ट बिट क्या है 0, इसको भी आप क्या कर दो, फिक्स कर दो। तो जैसे ही इसको फिक्स किया, ये वाली वैल्यू आप यहां पे जीरो कर दो, तो नेक्स्ट सबनेट में ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। सिंपल सा फंडा है, बस जो आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो तो ये वाली बिट आप फिक्स कर दो। तो जैसे ही आप फिक्स करोगे यहां पे 245.248.100010, ये आपका फिक्स्ड पोर्शन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 00.00000000, ये आपके हमारे पास जो ये वाली होस्ट वैल्यूज है इनको हम क्या करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे। नेक्स्ट क्या बन जाएगा 00000001, नेक्स्ट करते करते लास्ट क्या बन जाएगा 11.12345678। आपको सिंपल होस्ट की बिट को छेड़ना है, तो यानी नेटवर्क की बिट्स जो है वो क्या हो गई, फिक्स हो गई। तो इसको आप जैसी रेंज में कन्वर्ट करोगे तो क्या बनेगा 245.248, पहली वैल्यू हमारे पास क्या बनी 1000100, मतलब ये ओवरऑल आपका आंसर क्या आएगा, ये ओवरऑल आपका आ गया 128 प्लस 16, जैसे ही आपने किया तो ये आपका क्या बन गया यहां पे 128 प्लस 8, 1 फॉलोड बाय 000 क्या होता है 8 होता है, तो 128 ये बन गया 136.0 से 245.248. लास्ट वाला क्या बनेगा, लास्ट वाले में हमने यहां पे क्या दिया 1000
10 ये वाला बन गया ना लास्ट, हमने यहां पे 11 डॉट ये तो लिख दिया, ये वाली बिट तो 11 हो गई, लेकिन आगे वाला जो सारा फिक्स्ड पोर्शन है वो तो सेम ही रहेगा। तो 245.248 इसको आप जैसे ही डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका क्या बन गया 100010011 1011 क्या होता है हमारे पास 11, तो ये आपका 11 जैसे ही ऐड करोगे तो 11128 प्लस 11 आपका क्या बन गया 139, तो 139.255 ये सिंपल सा फंडा है। आपको बस इसको जो ओवरऑल आपका आंसर आ रहा है उसको आप कन्वर्ट कर दो डेसिमल में, तो 139.255। तो इस सबनेट की रेंज ये आ गई, इस रेंज में ये वाला जो है वो इस सबनेट की नेटवर्क आईडी, ये वाला इस सबनेट का डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अब हम बात करते हैं लास्ट वाले सबनेट की, तो लास्ट वाले सबनेट में क्या होगा, सिंपल सा फंडा है, लास्ट वाले सबनेट में हमारे पास 245.248 डॉट नेक्स्ट जो देखो 10001 हमने यहां पे 0 फिक्स की थी, इस वाले में देखो 0 फिक्स की थी, तो इस वाले में क्या हो जाएगा 1 फिक्स हो जाएगा, ये वाला 1 आपका फिक्स हो गया। नेक्स्ट 00.12345678 ये वाला आपका पहला बन गया, और लास्ट वाला क्या बनेगा 245.248.100011 ये आपका फिक्स ही था, हमने यहां पे 0 फिक्स की, यहां पे 1 फिक्स हो गया, आगे वाला हमारा ऑलरेडी फिक्स है, तो नेक्स्ट क्या बना 11.111111111। तो इसको जब हम डेसिमल में लिखें क्या बनेगा 245.248.1000 ये आपका 12 हो गया, 12 + 128 = 140 से लेके 245.248. ये बन गया 1000 followed by 1111 ये आपका क्या होता है 15, तो 128 plus 15 हो गया 143, तो 143.255। तो इस वाले सबनेट की S3 की नेटवर्क आईडी ये आ गई सबनेट आईडी, और लास्ट जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस आएगा वो ये वाला आएगा। तो ये सिंपल सा फंडा है, और देखो वैसे भी ये कंटिन्यूटी में ही है, यहां पे हमारे पास रेंज बनी 128.0 से लेके 135.255 लास्ट है, तो जिसमें जैसे ही एक ऐड करोगे तो 136 हो जाएगा, तो देखो 136 हो गया, 136 से 139.255 255 में जैसे ही एक ऐड करोगे तो 140 हो जाएगा, तो देखो नेक्स्ट वाला कहां से स्टार्ट हो रहा है 140 से स्टार्ट हो रहा है। बस यही कहानी है सिंपल, हम कैसे वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग करते हैं। लेकिन एक लास्ट पॉइंट मैं यहां पे दोबारा आपको बता दूं कि यहां पे हमने 0 फिक्स की थी, हमने यहां पे पोजीशन फिक्स करनी है, जैसे ही हम इस बिट को फिक्स करेंगे वैल्यू आप यहां पे 0 भी फिक्स कर सकते हो 1 भी फिक्स कर सकते हो। अगर आप यहां पे 1 लिखते हो फिक्स कर देते हो तो यहां पे 0 कर दो, कई बार ऑप्शन मैच नहीं करता, आप रेंज जो है वो अलग-अलग हो जाएगी लेकिन रहेगा आपका आंसर बिल्कुल ठीक ही। तो यहां पे लास्ट में ये वाले जो इस सबनेट में हमारे पास जो वो आएगा सबनेट मास्क आएगा, तो स्लैश नोटेशन कितनी आएगी, नंबर ऑफ बिट्स कितनी फिक्स्ड हो गई, हमारे पास 20 तो पहले ही फिक्स थी, एक हमारे पास पीछे से है 21 और एक हमने और फिक्स कर दी 22, तो 22 हमारे पास नोटेशन आ गई, यहां पे भी 22 और यहां पे भी हमारे पास क्या आया 22। तो ये सिंपल सा फंडा है कि कैसे हम वेरिएबल एंड सबनेट मास्किंग करते हैं CIDR के अंदर। थैंक यू।